सात दिनों के अंदर कोरोना के मामलों में कितनी तेजी आई है, केरल में क्या है कोरोना के हालात, किसके शंखनाद से खुलेंगे मंदिरों का पाट, यूपी में क्यों दी गई वन नाइट कर्फ्यू में राहत, कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन कोरोना चैनल। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेज होते नजर आ रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे के अंदर 43,367 नए केस सामने आए, जबकि 527 मौत के साथ मरने वालों की संख्या 4,38,387 तक जा पहुंची है। वहीं 24 घंटे के अंदर 34,835 लोग कोरोना से ठीक हुए। तमाम कोशिशों के बावजूद केरल में कोरोना पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अकेले केरल में 29,836 नए केस सामने आए हैं, जबकि सिर्फ 22,088 लोग ही कोरोना को मात देकर अपने घर लौट सके। वहीं 77 लोगों की मौत के साथ केरल में मौत का आंकड़ा 20,541 तक जा पहुंचा है। वॉल्जोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक बीते 7 दिनों में देश में कोरोना संक्रमण के केस में 17% का इजाफा हुआ है। इस दौरान वायरस के चलते होने वाली मौतें भी 10% बढ़ गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक 7 दिनों के अंदर देश में कुल 2,70,639 मामले मिले हैं, जबकि 3,461 लोगों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में जल्द ही 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। इसके लिए सरकार ने बच्चों की कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी बना रही है। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर नरेश त्रिहन ने स्कूलों के खोले जाने को जल्दबाजी बताया। उनका मानना है कि जब तक बच्चों को भी वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता तब तक बच्चे कोरोना से सुरक्षित नहीं है। ऐसे में हमें हड़बड़ी दिखाने की बजाय बच्चों के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन आने का इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने के लिए बीजेपी आज से शंखनाद आंदोलन करेगी। माना जा रहा है कि इस आंदोलन में महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले अन्ना हजारे ने भी महाराष्ट्र सरकार से मंदिरों के खोले जाने का अनुरोध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए यूपी सरकार ने रियायत बरतते हुए एक रात के लिए नाइट कर्फ्यू को हटा लिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक आज रात 10 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक सूबे में नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। हालांकि पूजा के दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध जारी रखा है। DGCA के सर्कुलर के मुताबिक प्रतिबंध सिर्फ पैसेंजर्स फ्लाइट पर जारी रहेगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें प्रभावित नहीं होंगी। भले ही चीन अपने कोरोना वैक्सीन को दूसरे देशों की वैक्सीन से बेहतर बताता रहे, लेकिन सच्चाई है कि सिनोफार्मा की वैक्सीन पानी के अलावा कुछ नहीं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में सिनोफार्मा की वैक्सीन को सिर्फ 50% कारगर माना गया है, जबकि कोविशील्ड को वायरस के मुकाबले प्रभावी बताया गया है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।